और जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं आज है 10वां दिन, बारिश हो रही है और हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे बसंत नगरी सोसाइटी के गणपति बप्पा का आने का, जो दूर से दिख रहे हैं ढोल ताशे के साथ में। जैसे कि दोस्तों आप दूर से देख रहे हैं हमारे गणपति बप्पा आ रहे हैं और सुसज्जित लाइट के साथ में। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे धूम धमाका हो रहा है, बारिश हो रही है, पर लोगों को बारिश की चिंता नहीं, बच्चों को भी बारिश की चिंता नहीं, बस गणपति बप्पा जी को बस सी ऑफ करने जा रहे हैं हम सब खुशी खुशी। और मैं भी यहाँ खड़ी हूँ, एक्चुअली मैं वेट कर रही हूँ हमारे बसंत नगरी के गणपति बप्पा जी का जो आ रहे हैं, और वो काफ़ी टाइम लगा के आएंगे, पर मैं भी तो यहाँ वेट करके रहूँगी। सो गाइस जैसे कि हम देख रहे थे कि काफ़ी इंतज़ार के बाद फाइनली गणपति बप्पा जी हमारी गली आ गए, और ये देखो ढोल ताशे गाजे बाजे और किस तरह से लोग नाच रहे हैं। प्रसाद अंकल से और अब मेरी तो हो गई पूजा सफल। अंकल अकेले बैठे वीडियो ब्लॉग बना रही हूँ, अंकल अकेले बैठे और ये रहे गणपति बापा, आप सब दर्शन करें। उम्मीद करती हूँ गणपति बापा के दर्शन करके हम सबका दिन खुशमय रहे, अच्छा रहे, ये साल बापा हमारी जिंदगी में खुशियाँ दे के जाए। गणपति बापा मोरिया। सो वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू सुनीता सान्याल ब्लॉग। मैं हूँ आपकी अपनी सुनीता। कैसे हैं आप सब? वेल, आज मैं शाम को अपना ब्लॉग बना रही हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे घर में सब तैयार हो रहे हैं कहाँ जाने के लिए। जा रहे हैं हम केरला कैफे, क्योंकि आज मेरी छोटी भाभी का फेस्टिवल है जिसे कहते हैं ओणम। बाय द वे मेरे सारे सब्सक्राइबर्स और मेरे फ्रेंड्स को हैप्पी ओणम। सो गाइस बारिश हो रही है धीमी और आज मैंने पहनी है ब्लैक फुल ड्रेस और हल्की बौछारें और बूंदे पड़ रही हैं। और सो गाइस हम आ गए हैं केरला कैफे में, जहाँ की हमको थोड़ा सा वेट करना है और ये देखो इंजन लगाया डायमंड, पजामा पहन के तैयार, पर हमको वेट करना है। जबकि 9 बज चुके हैं पर 8 से 9 का स्लॉट काला कर रहा है। आ रही है मेरी मम्मी, आ रही है मेरी नानी और हम बैठे हैं। हम करेंगे ओणम स्पेशल, अब देखते हैं ओणम का खाना क्या है। तो गाइज वो है मेरी फैमिली, वो एक टेबल में बैठी है और इस तरह से आज ओणम का खाना सर्व करेंगे। मैं अब इन चुका हूँ। ये क्या वीडियो है? मुझे ऐसा लग रहा है इंजन रो रही है। गर्म पानी, तो उससे पहले उन्होंने हमको ये कुछ दिया। सर इसको क्या बोलते हैं? अच्छा हर्बल वाटर। तो हमको खाना खाने से पहले दिया गया है हर्बल वाटर।
तो गाइस खाना तो लगने लग गया है। मेरी थाली में आ गया है मैंगो पिकल, लेमन पिकल, कुछ तो ये चुंदा हम बोलते हैं पर यहाँ पे इंजी थाई, और ये कुछ सब्जी है, तो कैबेज की सब्जी थोड़ा ज़्यादा दे दी, ये क्या है? हाँ ये थोड़ा ज़्यादा दे दी, मुझे कैबेज की सब्जी बहुत पसंद है, मुझे पसंद है तो मैं खा रही हूँ। और ये है अभी तक खाना सर्व ही हो रहा है, अब डाल दिया है वेफर, थोड़ी सी सब्जी, सांभर और बहुत सारी वैरायटी, और अभी दिया है छाछ और रसम, तो अब तक भी खाना सर्व ही हो रहा है। अभी सारी सब्जियां डाल दी, हाँ सर बोलिए, ओके अबियल, अबियल ओके, कुट्टू करी, कौन सा करी? कुट्टू करी, कुट्टू करी ओके, परिपू करी, परिपू करी, थैंक यू सो मच। सो गाइस परिपू करी, कुट्टू करी, शेरी और ये सब सब्जियाँ, अभी हमारा और ये है वेफर्स, पाइनएप्पल, और यहाँ पे सब लोग हो गए खाने लग गए, मम्मी भी खा रही, मेरी तो प्लेट साफ हो गई, अब आदि खा रहा है, एंजू वहाँ पे उदास बैठी है। और एंजू, एंजू उदास है। अच्छा एंजू आ जा, एंजू आ जा, एंजू ठीक है फिर। मैंने गाइस हमारा तो हो गया केरला कैफे में खाना खा के, और ये चुटकी ने कुछ नहीं खाया, और ये चुटकुले कुछ नहीं खाया, ये दूसरे परेशान आत्माएं जिंदगी की दुखियारी, इसको तो क्या बोल ही सकते हैं। और ये रही यहाँ की डेकोरेशन। तो गाइस हमारा हो गया खाना खत्म, और अब ये देखो एक ही सीट में हम तीन घुसे हुए हैं, अब हम निकले हैं घर की ओर। सो हैप्पी ओनम टू यू ऑल वंस अगेन, गुड नाइट, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। रात के बज रहे हैं 11, हम आ गए हैं वापस अपने घर पे, और इसी के साथ में मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक ख्याल रखें, बाय बाय।